नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के डी पैनल्ड हॉस्पिटलों की सूची में बनारस के दर्जनों प्रतिष्ठित हॉस्पिटलों का नाम है। इसका खुलासा हेल्थ एजेंसी सांची के पोर्टल पर हुआ है। इस सूची में पूरे उत्तर प्रदेश के ऐसे सैकड़ों हॉस्पिटलों की सूची जारी की गई है जिन्हें सूबे की योगी सरकार ने डी पैनल वाली सूची में शामिल किया है। बताते चले, आयुष्मान भारत से पूर्व यह योजना पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यानी RSBY के माध्यम से गरीबों के मुफ्त इलाज की योजना थी, जिसमें प्रदेश भर के कई अस्पतालों द्वारा वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया था। उन पर आरोप था कि उनके यहाँ बिना इलाज किए अथवा फर्जी बिल लगाकर बीमा कंपनी से करोड़ों की वसूली की गई थी। शायद यही कारण है कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत में इस बार ऐसे किसी भी हॉस्पिटल को आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं किया गया है। आयुष्मान भारत योजना को ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। पिछली योजना में RSBY में गड़बड़ी की बात करने वाले हॉस्पिटलों में अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो इनकी संख्या सैकड़ों में है। वहीं दूसरी ओर PM मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी लगभग एक दर्जन हॉस्पिटलों को डी पैनल्ड किया गया है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि प्रधानमंत्री के आगमन पर उनको फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत करने वाले कई सम्मानित डॉक्टरों के हॉस्पिटल भी डी पैनल्ड वाली सूची में शामिल हो गए हैं। बनारस के जिन प्रतिष्ठित हॉस्पिटलों को हेल्थ एजेंसी सांची के पोर्टल पर भी डी पैनल की सूची में शामिल किया गया है, उसमें आलोक हॉस्पिटल टैगोर टाउन, एपेक्स हॉस्पिटल DLW, मिडवे हॉस्पिटल सिग्रा, मुक्ति विशन सेवा हॉस्पिटल सलारपुर, पॉपुलर हॉस्पिटल ककरमत्ता, SP सर्जिकल सेंटर सिकरौल, शाह स्पेशलिटी क्लिनिक रविंद्रपुरी, सहारा हॉस्पिटल राजा तालाब, संतुष्टि हॉस्पिटल सुंदरपुर, सरोजनी नायडू हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर नई बाजार, श्रीराम नर्सिंग होम मड़वाडी, लक्ष्मी मेडिकल केयर सेंटर रोडवेज कैंट आदि शामिल है। क्लाउन टाइम्स के रिपोर्टर प्रतिमा पांडे ने आयुष्मान भारत योजना की सूची से वाराणसी के डी पैनल ऐसे हॉस्पिटलों के डॉक्टरों में से डॉक्टर AK कौशिक, डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, डॉक्टर आदर्श द्विवेदी व डॉक्टर अशोक कुमार राय से की पड़ताल। आखिर उन्हें सरकार ने बाहर का रास्ता क्यों दिखाया? मैं डॉक्टर अधीश कुमार कौशिक, पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का चेयरमैन तथा जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बंद चल रहा है और सारे पेशेंट इस समय शहर के विभिन्न अस्पतालों में आके भर्ती हो रहे हैं। अभी काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट्स हम लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हम लोगों ने उसके लिए, हमारा अस्पताल 150 बेड का है लेकिन अभी 50-60 बेड का और एक्सटेंशन करके इन सारे क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए विशेष सुविधा प्रदान कर रहा हूँ। और जो भी पेशेंट जो सारे अस्पतालों से रिफ्यूज हो जाते हैं उन सबको पूरे डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम लेकर के हम लोग इस समय इलाज कर रहे हैं और विशेष चिकित्सा सेवा सस्ते दर पर उपलब्ध करा रहे हैं ताकि गरीब जनता को राहत मिल सके और उचित चिकित्सा हो सके। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल का संचालन कब से हो रहा है? विगत 2 दशक से ये हॉस्पिटल हमारा चल रहा है और पिछले एक लगभग 7-8 साल से हमने दूसरा यूनिट खोला था, सुपर स्पेशलिटी विंग, जो 7-8 साल से चल रहा है, जिसमें सभी प्रकार के सुपर स्पेशलिस्ट अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और इस तरह के जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं वो सारे विगत 7 वर्षों से अपनी इन हाउस रहकर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऐसी आपके हॉस्पिटल को काली सूची में क्यों डाला गया है? आयुष्मान भारत को लेकर कोई काली सूची नहीं निर्धारित की गई है। ये कुछ समझ हमें सुनने में आया है कि कुछ अस्पतालों को उन्होंने RSBY के समय से कुछ प्रॉब्लम्स आया था जिसकी वजह से कुछ नाम अभी प्रसारण इन लोगों ने किया है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई काली सूची इस तरह का कहीं कोई बात नहीं है और सर हमारा भी हॉस्पिटल बिल्कुल लिस्ट में है, मनोनीत हो चुका है। कि मैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक आलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। मेरा हॉस्पिटल तो अगस्त 2007 से यहाँ टैगोर टाउन में संचालित हो रहा है और अस्पताल में सभी प्रकार की सुविधाएं, मेरा ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसमें खुद मैं डेंटल सर्जन, वाइफ मेरी डॉक्टर रीना सिंह गायनकोलॉजिस्ट और
जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और सभी प्रकार की इमरजेंसी सुविधाएं 24/7 संचालित होती हैं। जी, मेरे हॉस्पिटल्स में जनरल सर्जरी जितनी भी हैं, गॉलब्लैडर स्टोन हो गया, किडनी स्टोन हो गया और बाकी नई मशीनें जितनी भी अवेलेबल हैं, लिथोट्रिप्सी मशीन है जो कि बिना एक भी टाका लगे आपका पूरा ऑपरेशन स्टोन निकल जाएगा और तुरंत डिस्चार्ज हो जाएंगे, उसके लिए आपको एडमिट भी नहीं होना पड़ेगा एक भी दिन के लिए मेरे हॉस्पिटल में। और जनरल सर्जरी के जितने भी ऑपरेशन है सब अवेलेबल है यहाँ पे। आपके हॉस्पिटल का संचालन कब से हो रहा है? ये 1992 से हो रहा है इसका। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जी आपके हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्ट क्यों किया गया है? जी, अभी हम लोगों ने अप्लाई किया है, कुछ उसके प्रोसीजर्स हैं वो मांगा गया है, जैसे कि मेडिकल स्टोर के इम्पैनलमेंट के बारे में, तो हम लोग उसको भर रहे हैं अभी, तो हो जाएगा, वो भी इम्पैनल हो जाएगा उससे हॉस्पिटल से। इस वक्त हमारे साथ हैं लक्ष्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर अशोक कुमार राय। आइए इनसे जानते हैं कि इनके हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसका संचालन कब से हो रहा है। लक्ष्मी हॉस्पिटल जो कि रोडवेज कैंट वाराणसी जो है यहाँ पे बस स्टैंड के पास स्थित है और ये सन 20 मार्च 2000 को हमने स्टार्ट किया। लगभग जो है 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं लगभग, और हम लोग इस समय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में अपने समाज को सेवा दे रहे हैं, जिसमें कि सभी प्रकार के जैसे कि न्यूरो, यूरो, मेडिसिन के, न्यूरो सर्जरी, परमानेंट एंड टेम्परेरी पेसमेकर और आईसीयू, एमआईसीयू, जितने ये सर्जिकल आईसीयू भी है, मेडिकल आईसीयू भी है, बर्न का आईसीयू भी है, इस तरह की सभी सुविधाएं हम लोग लगातार अनवरत 24 घंटे जो है यहाँ पे लोग सब लोग तैनात रहते हैं। और इसके हॉस्पिटल के माध्यम से खेल कूद के क्षेत्र में भी, नक्सली एरिया में भी कई हज़ार हम लोग कैंप लगा चुके हैं, जो कि वहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग निःशुल्क परामर्श भी देते हैं और इलाज भी करते हैं। अब बाद में फॉलोअप में भी उनको अपने पास बुलाते हैं और हर तरह की उनको जो सुविधा देने की पूरी कोशिश करते हैं। पीएम मोदी के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आपके हॉस्पिटल को डी पैनल्ड यानी काली सूची में क्यों रखा गया है? की जानकारी जहाँ तक तो हमें नहीं है, और इसके पहले भी अभी भी बहुत से कॉरपोरेट से हम लोग का टाई अप है, जिसका हम लोग लगातार वहाँ से मरीज आ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। और RSPY जो पहले योजना चल रही थी गवर्नमेंट की, उसमें भी हम लोग को फेयर हॉस्पिटल का अवार्ड भी हमारे यहाँ के एम्प्लाई जो हैं अकाउंट्स में लोग हैं को फेयर हॉस्पिटल का अवार्ड RSPY की तरफ से मिला है। और इस तरह की बात जैसे आप बता रही हैं कि नहीं काली सूची में आ गया है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, और अभी तक ये भी जानकारी नहीं है कि आयुष्मान भारत के जो ये हेल्थ कार्ड के मरीजों का इलाज करने के लिए लिस्ट में नाम है या नहीं है, इसकी भी जानकारी। क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।